हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपके और हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से क्लास 10th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। लेंस क्या होता है, उस लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास से जुड़ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल आपसे वादा किया है कि आपको हाई स्कूल में 80% प्लस नंबर ला के देगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपके क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, लेंस क्या होता है, देखिए कांच का एक पृष्ठ ले लीजिए, कांच का दूसरा पृष्ठ ले लीजिए, ऐसे समझते हैं। कांच का एक पृष्ठ, कांच का एक पृष्ठ, कांच के किन्हीं दो पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम। एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है सर, बताइए फटाक से। अरे कोई प्रकाश किरण इधर से चले और इस पार हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो कांच के किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। वो दोनों पृष्ठ गोली भी हो सकते हैं और एक गोली और एक समतल हो सकता है। हमने क्या बताया, कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक का हो गया दूसरा आपका अवतल लेंस। क्या हो गया, अवतल लेंस। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जो किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। देखिए ये बीच में क्या है, मोटे हैं, किनारे पर क्या है, पतले हैं। तो जो किनारे पर पतले पतले और बीच में मोटे होते हैं, वो कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जो किनारे पर पतले बीच में मोटे, वो क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, ये हो गए। अब क्या पारी आ जाती है, अवतल लेंस की। किसकी पारी आ जाती है, अवतल लेंस। मन में विचार उठा, अवतल लेंस क्या होता है, ताइए डियर स्टूडेंट जान लेते हैं अवतल लेंस क्या होते हैं। अवतल लेंस ये होता है, देख लो, जो किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। जो किनारे पर मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो, वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो लिख सकते हैं, जो किनारे पर मोटा तथा बीच में क्या हो, पतला हो, तथा बीच में क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अब भैया हो, जैसे आपके पापा मम्मी नाम रख देते हैं राहुल, किशन, ईशान, जो भी
आदि साहब नाम रख देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं करिया, तो करिया का नाम करियवा रख दिया जाता है, मोटे हैं तो मोटका नाम, छोटे हैं तो छोटका नाम, लंबाई कम है तो नाटा, यानी उनके गुणों के आधार पे भी नाम रख दिए जाते हैं। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता था, इन पे जितनी प्रकाश किरणें पड़ती थी सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता था, सिकोड़ देता था, यानी अपने फोकस पे क्या कर देता था, सिकोड़ देता था, जिसके कारण इसका नाम रख दिए अभिसारी लेंस। क्या रख दिए, अभिसारी लेंस। डियर स्टूडेंट जरा सा आप समझिएगा, हमने क्या बताया कि यह जो है इसके ऊपर चाहे जितनी प्रकाश किरणें पड़े सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता था, अपने फोकस पर फोकसित कर देता था, केंद्रित कर देता था, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया गया अभिसारी लेंस क्या होता है, बता देना, जो प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर क्या कर दे, सिकोड़ दे, केंद्रित कर दे, वो क्या कहलाते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। अरे उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो लिख सकते हैं, अब बात आई इसका भी नाम होगा, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता था, इस पे पड़ने वाली प्रकाश किरणों को ये क्या कर देता था, फैला देता था। क्या कर देता था, फैला देता था, इस पे पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता था, फैला देता था। तो फैलाने के कारण, प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण इसका नाम अपसारी हो गए। अपसारी का मतलब फैलाना, अभिसारी का मतलब होता है सिकोड़ना, यानी प्रकाश किरणों के सिकोड़ने के कारण इसका नाम अभिसारी, प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण इसका नाम अपसारी। एक बार डियर स्टूडेंट एक बार फिर से बोल देते हैं, आप क्लियर कर लीजिएगा, का उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारे पर पतला, जो किनारे पर पतले और बीच में का होते हैं मोटे होते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ही अभिसारी लेंस कहलाता है, और जो किनारे पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये लेंस समाप्त हो जाता है। आइए हम लोग समझते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं ठीक, ये लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो एक तरफ उत्तल लेंस को समझ लेते हैं, एक तरफ किसको समझ लेंगे, अवतल लेंस को समझ लेंगे। एक तरफ उत्तल लेंस के लिए समझ लेंगे और एक तरफ अवतल लेंस के लिए समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे और इस पे एक मुख्य अक्ष बना देंगे। अब ध्यान से समझिएगा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली या जहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, जहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, सीधे निकल जाती हैं, वो लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे आप किससे व्यक्त कर सकते हो, सी से व्यक्त कर सकते हो। फिर से समझिएगा, हमने क्या बताया,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से जरा सा भी विचलित न हो, सीधे सूं करके निकल जाए, वो क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरणें या मुख्य अक्ष पर, इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष नाम है। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से सूं से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जरा सा भी विचलित नहीं होती है, वो बिंदु का कहलाता है लेंस का, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यही सेम टू सेम डिट्टो वाला ग्राफ, डिट्टो वाला चीज अवतल लेंस में भी बना के दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, अब ये हो गए प्रकाशिक, ये हो गए मुख्य अक्ष। अब क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इस प्रकार आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कर सकते हैं। लिखना चाहो बच्चों तो लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, सीधे निकल जाती हैं, वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब हम समझते हैं डियर स्टूडेंट, आपकी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। तो समझेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस का, क्या समझेंगे? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो ध्यान से समझिएगा, लेंस में दो दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने? दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। तो एक तरफ हम प्रथम मुख्य फोकस की चर्चा कर लेंगे, इधर किसकी चर्चा करेंगे? प्रथम मुख्य फोकस की, प्रथम मुख्य फोकस। और इधर किधर, उस तरफ किसकी चर्चा करेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस का। किसका चर्चा करेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस का। तो चलिए चर्चा करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। तो कोई बताया था कि जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो ये हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम क्या बना देंगे? मुख्य अक्ष बना देंगे। फिर इसके बाद प्रकाशिक केंद्र बना देंगे। और इसके बाद ये क्या बना देंगे? लेंस का व्यास बना देंगे, ठीक, द्वारक बना देंगे। तो ये दोनों लेंसों का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये लाइन क्या कहलाएगी? द्वारक। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि हमको प्रथम मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। तो समझिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, वह लेंस का क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। क्या बताया गया? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलिए क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु,
वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं वह प्रथम फोकस कहलाता है। वह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। फिर द्वितीय मुख्य फोकस का होते हैं, इनको समझिएगा। तो फिर से वही काम, क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? द्वारक। फिर मुख्य अक्ष, फिर प्रकाशिक केंद्र। तो चलिए लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित करते हैं। सॉरी गाइस, आप लोगों का टाइम नुकसान हो रहा है। चलिए तैयार कर लिए हम अपने ये घोचू यंत्र को। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, चलिए इस बार क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पे जाकर काटती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या बताया हमने डियर स्टूडेंट? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, जैसे मुख्य अक्ष गई है वैसे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिल जाती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को और द्वितीय फोकस को परिभाषित कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित करते हैं। चलिए, तो इस बार अब हम लोग यहाँ उत्तल नहीं, क्या लेंगे? अवतल लेंगे। क्या लेंगे? अवतल। चलिए, तो क्या लेंगे डियर स्टूडेंट? अवतल। किसकी चर्चा करेंगे? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। इसके भी दो होंगे, एक प्रथम मुख्य फोकस होगा, एक द्वितीय मुख्य फोकस होगा। तो सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। और इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे? एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, फिर जैसे हम लोग एक प्रकाशिक केंद्र भी बना देंगे। अब क्या होता है, आपने उत्तल में क्या किया था? सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु निश्चित करेंगे। अब क्या होता है, इधर की ओर क्या होगी, ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं जरा सा।
डियर स्टूडेंट समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या बताया हमने, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर सू से जाने वाली प्रतीत होने वाली किरणें, क्या मैंने बताया मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, यानी वास्तव में जा नहीं रही बल्कि जाती हुई लग रही है, क्या बताया हमने, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा, अवतल लेंस बनाएंगे, ये किनारे पर मोटा और बीच में का कर दिए पतला, फिर उसके बाद एक मुख्य अक्ष बना देंगे, ये इनके प्रकाशी केंद्र हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, अब अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्या हमने बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या हमने बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो जहाँ से आती रहती हैं वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। फिर से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और साथ साथ में जो है आप लोगों को अब जो है कुछ ही दिनों में हर 2000 जो आपके 20 में मॉडल पे यानी जो क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए हैं हाई स्कूल के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ इस चैनल पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें अपने इस चैनल को अपने माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।